दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। दिल्ली के दंगल में सभी पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अपना दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में अगर किसी पार्टी के नेता बगावत का बिगुल बजा दे तो पार्टी को जोर का झटका लगता ही है। जी हां, एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर मुसीबतों ने दस्तक दे दी है। बवाना सीट से विधायक वेद प्रकाश सतीश ने आपका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। वेद प्रकाश ने कहा कि वो नाकाम और बड़बोले के बीच फंस गए थे। दिल्ली में हर जगह रिश्वत चल रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है कि कैसे प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को बदनाम किया जाए। वो काम को पूरा किए बिना भेज देते हैं और फिर आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ देते हैं। विधायक वेद प्रकाश ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं मोदी जी की नीतियों को देखकर बीजेपी में आया हूं। पीएम की नीति से जुड़कर काम करूंगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में वेद प्रकाश ने 51,000 मतों से जीत दर्ज की थी। उनके इस्तीफे के बाद अब बवाना सीट के लिए दोबारा चुनाव होंगे। एमसीडी में 272 सीटों पर जीत का सपना देख रही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। विधायक वेद प्रकाश ने बीजेपी में शामिल होते ही केजरीवाल पर ही आरोपों की बौछार कर दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।